किसे पसंद नहीं है, हर किसी को बारिश पसंद है, इसमें भीगना अच्छा लगता है, पर बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इसके कारण हमारी स्किन पे, हमारे बालों पे उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी त्वचा को, आपके बालों को कैसे अच्छे रखें ये मानसून में भी, और साथ ही दूसरे मानसून हैक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है, मेरे वीडियो अंत तक देखिए, और साथ ही पसंद आए तो लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट हम बात करेंगे बालों से, और बाल हर किसी को पसंद है, बॉयज हो कि गर्ल्स हो, हर किसी को अपने बाल बहुत ही पसंद होते हैं, राइट। तो बालों में पर ये सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इसके कारण हमारे स्कैल्प में बहुत ही ऑयली हो जाता है, और बाल गीले होने के कारण वहाँ पे डैंड्रफ हो सकता है, हेयर फॉल हो जाता है, या फिर बदबू भी आती है। तो जितना हो सके ये सीजन में आपको बाल कट करने चाहिए, छोटे रखने चाहिए, गर्ल्स को छोटे रखिए और बॉयज को भी अपने रेगुलरली ट्रिम करवाना चाहिए। और साथ ही बॉयज लोग को खास करके क्या करना है, अपने दाढ़ी के बाल को भी नहीं भूलना, क्योंकि दाढ़ी में मूछ को भी रेगुलर ट्रिम करना है, अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी गीला हो जाता है, तो आपको इरिटेशन या फिर खुजली हो सकती है। हमने बालों की बात कर ली, अब हमारा सेकेंड है कि हम स्किन की बात करेंगे, हमारी त्वचा को ये सीजन में कैसे अच्छा रखना है। ये खास गर्ल्स लोग के लिए है, गर्ल्स लोग क्या करते हैं ये सीजन में ज्यादा हैवी मेकअप करते हैं, तो अगर हैवी मेकअप करेंगे और गीले इसमें हो जाएगी तो आपका मेकअप पैची हो जाएगा, मैसी भी होगा और जो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो ये सीजन में आपको क्या करना है, आपको बीबी या फिर सीसी क्रीम का ही इस्तेमाल करना है, जिससे हमेशा पूरे दिन भर लाइट फील होगा आपको और आप फ्रेश फील करेगा, अगर आप गीले भी हो जाएंगे तो भी आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कपड़ों पे, यस, आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। आपको ये सीजन में डेनिम जींस का इस्तेमाल नहीं करना है, यस फ्रेंड, इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर इसमें आप भीग गए तो फिर हो गए, आप पूरे दिन डिस्कम्फर्ट फील करते रहेंगे, क्योंकि आपको भी पता है डेनिम जैसे ये सब चीजें मटेरियल है वो जल्दी सूखते नहीं है, आप पूरे दिन आप डिस्कम्फर्ट यानी अनकम्फर्टेबल फील करते रहेंगे। इससे अच्छा है ये मौसम में जितना हो सके आपको कॉटन का इस्तेमाल करना चाहिए, यस फ्रेंड्स, कॉटन का अगर इस्तेमाल करेगी तो कॉटन क्या है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे और जिससे आप हमेशा फ्रेश फील करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ मटेरियल पे ही ध्यान नहीं देना है ये सीजन में, आपको कलर पे भी ध्यान देना है, यस, आपको कलर पे भी कौन सा पहन रहे हैं ये सीजन में ये भी मायने रखता है। आपको ये सीजन में डार्क कलर का ही इस्तेमाल करना है, यस फ्रेंड्स, डार्क कलर आप पहनेंगे जैसे कि ब्लैक हो गया, डार्क ब्लू हो गया, आपको ये सीजन में लाइट कलर नहीं पहनना है, जैसे कि व्हाइट हो गया और दूसरे व्हाइट कलर, ऐसे में अगर आप लाइट कलर्स पहनते हैं तो फिर वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आप गीले हो जाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। दूसरा रीजन ये भी है, अगर इसमें आपके लाइट कपड़े में कोई कीचड़ लग गया तो अच्छा भी नहीं दिखेगा और आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए जितना हो सके ये सीजन में आपको डार्क कलर ही पहनने चाहिए। यस फ्रेंड, हम बात करेंगे अभी पैरों की, यस, हैप्पी फीट इज हैप्पी मॉनसून, हमारे पैर सूखे रहेंगे तो कोई भी प्रकार की हमको नुकसान नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये सीजन में पैरों का भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, आपको अच्छे कौन से शूज पहन रहे हैं वो देखना भी जरूरी है, अगर इसमें जेंट्स लोग वो शूज पहनेंगे पूरा पैक वाले तो उससे क्या होगा, आपके शूज तो खराब हो ही जाएगी गीले होने के कारण, पर साथ ही आपके पैरों को भी वो नुकसान करेगा, और साथ ही गर्ल्स लोग को भी हील्स का इस्तेमाल नहीं करना है ये सीजन में, जितना हो सके आपको सैंडल्स पहनना है, फ्लिप फ्लॉप पहनिए, फिर फ्लोटर पहन, जिससे आपके पैरों में हवा आती जाती रहे और आपके पैर सूखे, हमारे पैरों को सूखा रखना बहुत ही जरूरी है, वरना उसमें फंगस जैसी बीमारी भी हो सकती है। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, हमारे पैरों को हमें क्या करना है, रेगुलरली पेडिक्योर भी करना है। जी हाँ, पेडिक्योर करने के बहुत सारे फायदे हैं, इससे आपके नाखून साफ होगी, आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी और डेड सेल भी निकल जाएगी, तो इसलिए रेगुलरली आपको पेडिक्योर करवाना चाहिए, गर्ल्स हो कि बॉयज हो, रेगुलरली आपको पेडिक्योर करवाना चाहिए। बालों, स्किन, कपड़े सबकी बात कर ली, पर एक बहुत ही प्रॉब्लम मॉनसून में क्या होती है, हम ना चाहे भी मक्खी हमारे घर में आ जाती है, किसे मक्खी पसंद है, किसी को भी पसंद नहीं है, विदाउट इन्विटेशन हमारे घर में आ जाती है, तो उसका एक सिंपल DIY बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपके घर के कॉर्नर में जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको नींबू का स्लाइस कट करके वहाँ पे हर कॉर्नर में लगा दे, मक्खी मच्छर जो भी हो वो सब भाग जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे स्किन के लिए भी और एक चीज है कि हमें ये सीजन में भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। यस फ्रेंड्स, हमें लगता है कि अभी सन है तो समर में ही इसका इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है, और रेनी सीजन में भी आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सन की यूवी रेस कभी भी हमें हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकते हैं, इसलिए जब भी आप घर से स्टेप आउट करें रेनी सीजन में भी आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप मेरे टिप्स, मेरे हैक्स आपको अच्छे लगे होंगे, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, जरूरी है शेयर कर दे सबके साथ, और नए सब्सक्राइबर
लिए तो सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो फटाफट आपके पास पहुंच जाएंगे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।